Hello everyone, a very good evening to all of you. I'm Shahid Khan. Are you watching People's Academy? Dear students, as you know that we have started a series on MA Political Science Entrance, जिसमें हम एंट्रेंस पेपर्स जो प्रीवियस एंट्रेंस पेपर्स हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं. एंड अभी जो हम जिस पेपर को डिस्कस कर रहे हैं वो है कश्मीर यूनिवर्सिटी का 2020 का एंट्रेंस एग्जाम पेपर, एंड ये इसका लास्ट पार्ट रहेगा. तो आज हम इसको फिनिश करने वाले हैं. आपको पता है कि कश्मीर यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस में 60 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है, एंड ऑलरेडी हम फोर पार्ट्स में 50 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं. तो ये लास्ट पार्ट है, तो चलिए शुरू करते हैं हम इसमें 10 से 12 मिनट में. ये पूरा जो 10 क्वेश्चंस हमारे बचे हुए हैं इस पार्ट के, तो हम इसको डिस्कस करेंगे. इसके बाद हम 2021 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे. एंड मैं आपको बता दूँ वो क्वेश्चन पेपर जो होगा तीन ही पार्ट्स में हम डिस्कस कर देंगे उसको, विद 20 क्वेश्चन इन ईच पार्ट. तो चलिए शुरू करते हैं. इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि वो आप सुन लें, उसके बाद हम वीडियो शुरू करते हैं. कि मैं एक सीरीज चलाने वाला हूँ जिसमें वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को हम एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, सारे थिंकर्स को उनका क्रक्स, इसी तरह से इंडियन पॉलिटी का पूरा क्रक्स हम एक वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो आपको ये चाहिए कि नहीं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं. एंड वीडियो कैसा लगता है ये भी लिख के बताएं, एंड ये भी कर दें कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बाकी लोगों के साथ शेयर करें. तो चलिए शुरू करते हैं. तो ये है हमारा क्वेश्चन पेपर जो हम डिस्कस कर रहे हैं काफ़ी देर से, एंड 50 क्वेश्चन तक ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. तो आज हम 51 क्वेश्चन से इसको शुरू करते हैं. सो ये है हमारा आज का पहला क्वेश्चन. सो क्वेश्चन सबसे पहले आप देख रहे हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन पूछा गया है कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, यानी कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के एमरजेंस के रिगार्डिंग किस फैक्टर ने कंट्रीब्यूट किया है. तो मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबो, क्योंकि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का जो आइडिया है ये 1945 के बाद इमर्ज होना शुरू हुआ. एंड जो नए स्टेट्स आए वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद, बहुत सारे स्टेट्स नए इंडिपेंडेंट स्टेट हुए, एक तो ये भी इसका फैक्टर बना. दूसरा एक कंपेरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप बनाया गया, एंड ये कंपेरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप बनाया गया 1963 में. मैं आपको बता दूं उस टाइम पे इसके जो चेयरमैन थे वो थे एफ डब्ल्यू रिग्स, आप ये याद रखेंगे. एंड ये डेवलपमेंट कंपेरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप इसलिए बनाया गया ताकि डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स जो हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में उनको डिस्कस किया जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जाए. एंड इसके साथ साथ तीसरा हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, डिमांड ऑफ सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ न्यूली डिकोलोनाइज्ड स्टेट्स. तो तीनों जो फैक्टर्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं किसके इमरजेंसी के लिए, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन. तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी. चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. थोड़ा सा हम पेन चेंज कर लेते हैं ताकि ये ब्लैक एंड ग्रीन में थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो पाए. तो इन टर्म्स ऑफ इट्स फंक्शन पब्लिक पॉलिसीज आर बेसिकली आर फॉलोइंग टाइप्स. तो पब्लिक पॉलिसीज़ के फंक्शन के बेसिस पे हम उनको कितने टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं. तो मैं आपको बता दूं, एक पब्लिक पॉलिसी रेगुलेटरी भी हो सकती है, रिस्ट्रिक्टिव भी हो सकती है, एंड फैसिलिटेटिंग भी हो सकती है. तो ये तीनों करेक्ट हैं. तो ऑल ऑफ द एबो जो हमारा आंसर है. रेगुलेटिंग आपको पता है कि कोई ऐसी पब्लिक पॉलिसी जो किसी पब्लिक स्फेयर को रेगुलेट करने के लिए बनाई जाए. रिस्ट्रिक्टिव यह है कि जो किसी पब्लिक स्फेयर पे क्या करे, रिस्ट्रिक्शन लगा दे, रोक लगा दे, ऐसी कोई पब्लिक पॉलिसी बनाना, ऐसा कोई लॉ बनाना. इसी तरह से फैसिलिटेटिंग पब्लिक पॉलिसी है जो किसी चीज़ को प्रमोट करे और फैसिलिटेट करे और उसको उसकी ग्रोथ में एमरजेंस में हेल्प करे. तो तीनों तरह की पब्लिक पॉलिसीज हो सकती हैं फंक्शन के बेसिस पे. तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. 53 हमारे पास है, प्रोविजंस रिलेटिंग टू द कंपोजिशन एंड पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर इनकॉर्पोरेटेड इन विच पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे क्वेश्चन में एक मिसप्रिंट है. यहाँ पे पार्ट 5 होना चाहिए या फिर यहाँ पे पार्ट 5 होना चाहिए, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है ये पार्ट 5 में आता है. ओके, सुप्रीम कोर्ट जो है ये पार्ट 5 में आता है. सुप्रीम कोर्ट पार्ट 5 में इसलिए आता है क्योंकि अगर आप देखेंगे तो सुप्रीम पार्ट 5 में क्या आता है, यूनियन एग्जीक्यूटिव, यूनियन गवर्नमेंट जो है वो पार्ट 5 में आती है. एंड यूनियन गवर्नमेंट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लाइक यूनियन गवर्नमेंट में आपका एक तो आ गया प्रेसिडेंट. यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, ठीक है. दूसरा आपका वाइस प्रेसिडेंट भी इसमें आता है, आपका प्राइम मिनिस्टर भी इसमें आता है, आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी इसमें ही आता है, आपका पार्लियामेंट भी यूनियन गवर्नमेंट का ही पार्ट है, आपका सुप्रीम कोर्ट भी यूनियन गवर्नमेंट का ही पार्ट है एससी. इसी तरह से अटॉर्नी जनरल जो होता है वो भी यूनियन गवर्नमेंट का ही
पार्ट होता है। इसी तरह से एक और ऑफिस है कैग के नाम से, CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये भी यूनियन गवर्नमेंट का पार्ट है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें पार्ट फिफ्थ में आती हैं, एंड सुप्रीम कोर्ट भी पार्ट फिफ्थ में आता है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन सी भी इसका, अगर इसको फाइव कर दें तो ऑप्शन सी करेक्ट है, अगर इसको फाइव कर दें तो ऑप्शन डी करेक्ट है। तो ऑप्शन सी हम रखते हैं कि ऑप्शन सी मिसप्रिंट है, यहाँ पे फाइव होना चाहिए एंड पार्ट फाइव में हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एंड आपको पता है सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, इससे बड़ा इंडिया में कोई कोर्ट नहीं है। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 54 हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन अबाउट इंडियन फेडरलिज्म इज इनकरेक्टली मैच्ड। तो इंडियन फेडरलिज्म के रिगार्डिंग कौन सा यहाँ पे इनकरेक्ट है? तो मैं आपको बता दूं, इंडियन फेडरलिज्म को कहा गया है किसके द्वारा, इंडियन फेडरलिज्म को क्वाजी फेडरल कहा गया है केसी वेयर के द्वारा, तो ये करेक्ट है। इंडियन फेडरलिज्म को कॉपरेटिव फेडरलिज्म कहा है ग्रैनविल ऑस्टिन ने, ये भी सही है। इंडियन फेडरलिज्म को बार्गेनिंग फेडरलिज्म कहा है मॉरिस जॉन्स ने, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट हमें बताना है, तो भाई साहब इनकरेक्ट यहाँ पे कोई नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन ये होगा, नन ऑफ द एबो, नन ऑफ द एबो इज इनकरेक्टली मैच्ड, सारे जो हैं करेक्टली मैच्ड हैं, आप ये याद रखेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एंड मैं आपको बता दूं ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन में मिल रही है। इसके साथ में एक और चीज़ आपको बता दूं, आर्टिकल 1 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डिफाइन करता है इंडिया को एज यूनियन ऑफ स्टेट्स। ओके, आर्टिकल 1 डिफाइंस इंडिया एज यूनियन ऑफ स्टेट्स, ना के फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। इंडिया एक फेडरल कंट्री ज़रूर है, स्ट्रक्चर इंडिया का जो है वो फेडरल ज़रूर है, बट इंडिया इज़ ए यूनिटरी। ओके, इंडिया इज़ यूनिटरी इन नेचर, सो दैट्स वाई आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस इंडिया एज यूनियन ऑफ स्टेट्स। एंड ये यूनियन ऑफ स्टेट्स में कितने स्टेट हैं, देर आर 28 स्टेट एंड देर आर 8 यूटीज। ओके, आई होप यू नो दिस। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 55 क्वेश्चन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कोर स्टोन ऑफ नेशन वॉज ऑथर्ड बाई डैश। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ये एक बुक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कोर स्टोन ऑफ नेशन, इट्स अ बुक एंड हमें इसके ऑथर का नाम बताना है। सो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, एंड इसका जो यू नो राइट ऑप्शन यहाँ पे है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। 55 का ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है, दैट इज ग्रैनविल ऑस्टिन। तो ग्रैनविल ऑस्टिन ने ये किताब लिखी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, एंड आफ्टर दिस देयर इज वन मोर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 56, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन पंचायत्स फॉर द मेंबर्स बिलोंगिंग टू SC एंड ST। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि एक अमेंडमेंट, जस्ट ए सेकंड गाइस, जस्ट ए सेकंड, देयर इज सम टेक्निकल, जस्ट ए सेकंड। ओके, सो एक अमेंडमेंट होता है 1991 में, जिसको 73rd अमेंडमेंट कहा जाता है। ओके, 73rd अमेंडमेंट एक्ट, एंड इससे क्या होता है, पार्ट 9th कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हो जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 9th ऐड होता है, एंड इट्स इस पार्ट 9th में है पंचायत्स के प्रोविजंस, जो सरपंच वगैरह आप ये देखते हैं ना, ये इस पार्ट 9th में आपको मिलेगा, पार्ट 9th ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1991। फिर ये फोर्स में आता है 1992 में, ये भी आप याद रखेंगे। तो इसी में पंचायत्स का है, एंड हमें बताना है कि कौन सा आर्टिकल है जो एसटीज एंड एससीज की रिजर्वेशन की बात करता है पंचायत्स में। तो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है इसका, दैट इज ऑप्शन नंबर, जस्ट ए सेकंड, सो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारे पास, दिस वन, आर्टिकल 243D। ओके, 243D यू नो टॉक्स अबाउट रिजर्वेशन ऑफ एससीज एंड एसटीज, किसमें, पंचायत्स में, ये आप ध्यान में रखिएगा। एंड इसके साथ साथ एक और मैं आपको बता दूं, आर्टिकल यहाँ पे जो ये एक आर्टिकल यहाँ पे 243A देख रहे हैं ना, 240A में असल में है ग्राम सभा, ग्राम सभा, एंड 243K जो है हमारे पास एक और आर्टिकल है 243K, तो इसमें इलेक्शंस, पंचायत्स के इलेक्शंस जो हैं उसके प्रोविजंस दिए गए हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एंड दिस 243A इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड दिस जो हमारा क्वेश्चन था ये भी इम्पॉर्टेंट है 243D। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 57, इन 1992 SEBI वॉज मेड ए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल SEBI क्या है, सो SEBI इज़ एक्चुअली सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, बोर्ड ऑफ इंडिया।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बनाया गया 1988 में, बट एक स्टैचूटरी बॉडी बनाया गया इसको 1992 में. तब क्या हुआ, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट पास होता है. सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज ऑफ बोर्ड इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992. उस टाइम पे सेबी को एक स्टैचूटरी स्टेटस भी मिल जाता है. स्टैचूटरी बॉडी क्या होती है, जो किसी एक्ट के थ्रू बनाई जाए. ओके, ऑलवेज रिमेंबर दिस, स्टैचूटरी बॉडी इज दैट बॉडी विच इज एस्टैब्लिश थ्रू एन एक्ट. ओके, सो यहाँ पे एक्ट पास हुआ एंड सेबी जो है स्टैचूटरी बॉडी 1992 में बनती है एंड इसको ऑटोनॉमस स्टेटस भी दिया गया है. तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी. देन इज 58th क्वेश्चन विच इज विद रिगार्ड टू द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट. तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है दिए गए स्टेटमेंट में इनकरेक्ट है. तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, इट एनकरेज्ड इनफ्लो ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. तो बिल्कुल न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से क्या हो गया, लिबरलाइजेशन आपने सुना होगा, लिबरलाइजेशन हो गई एंड यू नो बाहर की कंपनी यहाँ पे इन्वेस्ट करने लगी. तो ये तो सही है. दूसरा हमारे पास है इट प्रोवाइडेड लिबरलाइजेशन ऑफ द इकॉनमी, ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, तो ये भी सही है. एंड फोर्थ हम देख लेंगे, इट पेड फॉर द डी रेगुलेशन ऑफ इकॉनमी. सो पहले क्या होता था कि स्टेट जो है, गवर्नमेंट जो है बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस लगाती थी इंडस्ट्रीज वगैरह पे. तो यहाँ पे क्या हो गया, डी रेगुलेट किया गया, यानी कि थोड़ी सी छूट दी गई, बहुत सारी रेगुलेशन को हटाया गया यू नो डिफरेंट कंपनी से, डिफरेंट इंडस्ट्रीज से. तो ये सारी चीज़ें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से हुई. तो यहाँ पे इनकरेक्ट क्या है, इट स्ट्रेंथन द लाइसेंस राज. तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ. इनफैक्ट लाइसेंस को यू नो ज़्यादा हम कह सकते हैं कि लाइसेंस का जो सिस्टम था उसको थोड़ा सा स्मूथ बनाया गया. तो यहाँ पे आप याद रखेंगे कि लाइसेंस राज इससे स्ट्रेंथ नहीं हुआ और ज़्यादा मजबूत नहीं हुआ. इनफैक्ट इससे लाइसेंस राज जो है उसको यू नो कम किया गया, उसको एक स्मूथ बना दिया गया. तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन ये है. देन क्वेश्चन नंबर 59 हमारे पास है. थोड़ा सा ये PDF में प्रॉब्लम है तो आप इसको थोड़ा एडजस्ट कर लें. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड. तो कौन सा यहाँ पे इनकरेक्टली मैच्ड है हमारे पास. सो द फर्स्ट हमारे पास क्या है, आई डू व्हाट आई डू. यहाँ पे है क्या कि एक तरह से बुक का नाम है, एक तरह से उसका ऑथर है. ओके, रघुराम राजन ने ये किताब लिखी है, आई डू व्हाट आई डू. सो ये करेक्ट है. इसके बाद हमारे पास है द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर. तो ये शशि थरूर ने लिखी है, ये भी करेक्ट है. एंड इसके साथ साथ एक और किताब है, डेमोक्रेट्स एंड डिसेंट्स. तो रामचंद्र गुहा ने ये किताब लिखी है, सो दिस इज़ करेक्ट. नाउ व्हाट इज़ इनकरेक्ट. तो यहाँ पे अब तीनों पहले करेक्ट हैं. तो जो मोदी इफेक्ट है ये राकेश सिन्हा ने नहीं लिखी है, मोदी इफेक्ट जो है ये लिखी है लैंस प्राइस ने, लैंस प्राइस. तो ये हमारे पास इनकरेक्टली मैच था. तो ये इसका आंसर है. एंड नाउ कम्स द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज़ AITCU, विच इज़ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस. तो ये जो है ये कब बनाई गई है, तो मैं आपको बता दूं, अक्टूबर 1920 में इसको बनाया गया, 31st October 1920. ओके, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है. एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन एंड विद दिस वी हैव कम्प्लीटेड द फर्स्ट यू नो क्वेश्चन पेपर, द एंट्रेंस पेपर ऑफ 2020 कश्मीर यूनिवर्सिटी एम ए पोलिटिकल साइंस. सो विद दिस वी आर फिनिशिंग दिस पेपर एंड फ्रॉम टमोरो ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट अ न्यू क्वेश्चन पेपर, दैट इज 2021st यू नो जो क्वेश्चन पेपर आया था आपका. सो विल डिस्कस दैट एंड विल ऑल्सो ट्राई टू डिस्कस द वेस्टर्न पोलिटिकल थाट इन वन वीडियो, द एंटायर क्रक्स ऑफ वेस्टर्न पोलिटिकल थाट फ्रॉम प्लेटो टू मार्क्स. इसी तरह से हम इंडियन पोलिटी के मेजर पोर्शन को डिस्कस करेंगे एक वीडियो में. जस्ट कमेंट डाउन एंड टेल मी दैट whether you need this video or not. Okay, so thank you so much for watching People's Academy. We'll see you in next class. Till then, goodbye and take care.